नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ सचिन एंड आई रिप्रेजेंट सूर्या हॉस्पिटल एज हेड ऑफ बिजनेस एंड स्ट्रेटजी। और आज के इस सेशन में विच इज़ सूर्या टॉक शो, मेरे साथ हैं मेरे दो गेस्ट, मेरे दो डॉक्टर्स। वन इज़ डॉक्टर नटवर हु इज़ आर पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड वी हैव डॉक्टर मीनल हु इज़ आर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट। नमस्ते, मैं डॉक्टर नटवर परवाल, बच्चों का पेट हाथ व लीवर रोग विशेषज्ञ। मैं सूर्या हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ और मेरी ब्रांच में वो बच्चे आते हैं जो कि पेट हाथ व लीवर से संबंधित बीमारियां से रिलेटेड बच्चे होते हैं। ये बच्चे पेट दर्द, लूज मोशन, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, बच्चों में जॉन्डिस, पीलिया, बच्चों में आए दिन गेहूं की एलर्जी, दूध की एलर्जी, बच्चे कुछ खाने पीने में निकल जाते हैं जैसे सिक्का, बैटरी सेल, उनको निकालने के लिए बच्चे में हर प्रकार की, छोटे बच्चों की एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक, ये सारी सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में हैं और मैं इसी ब्रांच का, अपनी ब्रांच का कंसल्टेंट हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीनल गर्ग। मैं सूर्या हॉस्पिटल जयपुर में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एंड एपिलेप्टोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रही हूँ। मैं एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि छोटे बच्चे, नवजात शिशु से लेकर 18 साल की उम्र तक के बच्चे जिन्हें कोई न्यूरोलॉजिकल या डेवलपमेंटल समस्या है, जैसे कि डेवलपमेंटल डीले, मिर्गियाना, सिर दर्द, स्ट्रोक, कोई भी नसों मांसपेशियों की बीमारियां, इस प्रकार के बच्चों को मैं देखती हूं। सो ये जो टॉक शो हम लोगों ने सूर्या हॉस्पिटल में शुरू किया है जिसका नाम है सूर्या टॉक शो, दिस वुड बी अ ऑनगोइंग इवेंट जो कि हम लोग उस टाइम के, जब भी ये ब्रॉडकास्ट होगा, जब भी ये टेलीकास्ट होगा, उस टाइम के जो हॉट टॉपिक्स हैं विच इज़ रिलेटिंग टू पीडियाट्रिक हेल्थ एंड गाइनी हेल्थ, ऑब्जन गाइनी हेल्थ, उसके ऊपर एक डिस्कशन रहेगा so that it can benefit the general masses, general public, and we would try to answer all those questions that come across in our daily practices to our doctors. So this is a brief of the talk show that we are going to start, and today is the first session of this. And jaisa ki aap jante hain ki aaj ka topic, obviously it is known to everybody, that is COVID, because COVID is taking a toll on us, on our normal health and our daily routine life also. So to start with, I have few questions and I request my doctors to answer it in detail so that it benefits to everyone who are seeing it, who are watching, who are our subscribers to this talk show. So we'll start with a very common question that is in everybody's mind, and Dr. Chab, I would request you to answer it. Ki this time COVID has, what we have seen is COVID is very common and rampant among children also. Jaisa ki abhi humne bataya ki bhai, we are dealing in mother and child specialties. To is baar bachchon mein bhi humne bahut dekha hai. Last year jo COVID aaya tha pichle saal, wo bachchon mein nahi tha. Is saal bachchon mein bhi hai, and people, children are getting hospitalized as well, and there are mortalities that have been reported across the world. So iska kya reason hai? एंड थोड़ा सा उस पर आप, हम चाहेंगे कि दर्शकों के लिए आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट इट, बिकॉज इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन, वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग द पीक एंड इट विल टेक अनदर 15-20 डेज टू सब्साइड, जो ऐसा लगता है हमको। बाकी तो सचिन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी कोविड का एक तरह से वेव आई हुई है, सुनामी है हमारे हिंदुस्तान में, और कोविड, इस बार का कोविड और पिछले बार के कोविड में बहुत ज़्यादा फर्क है। पिछली बार से मॉर्टेलिटी ज़्यादा है, पिछली बार से मॉर्बिडिटी ज़्यादा है। इस बार का कोविड बच्चों में भी बहुत ज़्यादा कॉमन आ रहा है, बट बच्चों में उतना सीवियर नहीं है जितना कि एडल्ट में है। बच्चों में साधारण दवाइयाँ, सिम्टोमेटिक इलाज करके हम बच्चों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ हमें जो दो खास बातें ध्यान रखनी है, अगर बच्चे को 3 या 4 दिन से ज़्यादा सिम्टम्स रह रहे हैं, उसको फीवर और कफ चल रहा है, तो हमें थोड़ा सा सजग रहना है, हमें उसके डेंजर साइंस देखने हैं। अगर सांस में कोई तेज सांस ले रहा हो बच्चा, या बच्चा नीला पड़ रहा हो, या बच्चा दूध नहीं पी रहा हो, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सेकेंड, अगर 3 दिन 4 दिन से ज़्यादा बच्चे को सिम्टम्स रह रहे हैं, तो आप रेगुलर उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन भी नापते रहें। बच्चों में समस्या डेफिनेटली पिछली बार की तुलना में ज़्यादा है। इसका कारण, दो कारण हो सकते हैं। एक तो म्यूटेंट स्ट्रेन, जो कि हम आए दिन अखबारों में और सब जगह पढ़ रहे हैं, इंडिया में 3, 4, 5 तरह की म्यूटेंट स्ट्रेन है, उनकी वजह से हो सकता है। सेकंड, स्प्रेड बहुत ज़्यादा है,
लेकिन फिर भी पेरेंट्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बच्चे उतने सीवियर स्टेज में नहीं आ रहे। मैडम, मैं इसी कंटेक्स्ट में आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे सर ने बताया कि जो कि एक सबका बड़ा सवाल है, बड़ा कॉमन, कि जो बच्चों में देखा गया है, सर ने बोला कि हाँ देखा गया है बिकॉज वैक्सीन नहीं लगा है और कुछ और रीजन्स हैं, जीन का म्यूटेशन, वायरस का म्यूटेशन हुआ है। बट एज ए न्यूरोलॉजिस्ट मैं आपसे एक जानना चाहूँगा जो कि हेल्प करेगा मेरे दर्शकों के लिए भी, क्या ये बच्चे, क्योंकि बच्चे लास्ट ईयर भी घर में थे, स्कूल अभी भी नहीं खुले हैं, लास्ट ईयर भी नहीं खुले थे, अब कब खुलेंगे नहीं पता, वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अ सेकेंड और थर्ड वेव विच इज़ ड्यू इन अक्टूबर एंड विच वुड स्पेसिफिकली टारगेट चिल्ड्रन, सो हाउ दे हैव कोप्ड अप मेंटली, व्हाट न्यू सिम्टम्स हैव यू सीन दोज चिल्ड्रन हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल, हु आर नॉट एंगेजिंग इन देयर डे टू डे एक्टिविटीज़, कॉमनली डन एक्टिविटीज़, वो घर में ही हैं, सो क्या उनमें न्यूरोलॉजिकल न्यूरोसाइकोलॉजिकल सिम्टम्स कुछ आए हैं आपके डे टू डे प्रैक्टिस में, तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश बताइए डालिए एंड देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सचिन जी, जैसे कि डॉक्टर नटवर ने बताया, एक तो बड़ी परेशानी, बड़ी समस्या ये है कि बच्चे को कोविड हो नहीं जाए, और हो तो हम क्या करें, लेकिन उसके अलावा एक बड़ी परेशानी और ये है सारे पेरेंट्स के लिए कि बच्चे लगभग एक साल से स्कूल नहीं गए हैं, मैक्सिमम बच्चे इस टाइम पे केवल ऑनलाइन क्लासेस या यही सब चल रहा है, तो उसकी वजह से डेफिनेटली बच्चों में बहुत सारे मानसिक या जिसे हम कहें कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। रीज़न ये है कि बच्चों का जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ का जो रूटीन था वो पूरी तरह से डिसरप्ट हो चुका है। सोशलाइजेशन नहीं है, मतलब दूसरे बच्चों से घुलना मिलना, दूसरे बच्चों के साथ रहना, ये चीज़ें ऑलमोस्ट इस टाइम पे ख़त्म हो चुकी हैं। बच्चे अपने आसपास यही देख रहे हैं कि सब लोग बीमार हैं या बीमारी का बहुत ज़्यादा डर है, मास्क, शील्ड, ये सब हैंड सैनिटाइजेशन उनके लिए बहुत ही नई चीज़ें हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये भी देखा है कि उनके घर में से कोई बीमार हो चुका है, या इवन किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आई है, या उनके फैमिली मेम्बर्स पिछले साल से कुछ कम भी हो गए हैं। तो ये सारी परेशानियाँ जो हैं ये डेफिनेटली बच्चों को बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानियाँ कॉज कर रही हैं। परेशानियाँ जैसे कि बच्चों में कुछ नए सिम्टम्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं, एक ये कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा एंग्जाइटी यानी कि घबराहट की फीलिंग, हर टाइम एक अजीब सा बच्चों का बिहेवियर होना, घबराहट की वजह से बच्चों में कुछ सिम्टम्स जैसे कि दांत पीसना, टीथ ग्राइंडिंग, हेयर पुलिंग, नेल बाइटिंग यानी कि नाखून चबाना, इस तरह के सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। बच्चों की स्लीप पे इस चीज़ का, नींद पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। रात को बच्चों को या तो नींद आती नहीं है या अच्छी तरह से नहीं आती है। स्लीप साइकिल बच्चों का कॉमनली जो है वो डिसरप्ट हो चुका है। इसके अलावा एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही है हेडेक की। तो हेडेक इसलिए कि बच्चों को खाने पीने का जो एक सिस्टम था, जो एक रूटीन था, स्कूल जाना, वो कम हो गया है, स्क्रीन टाइम बहुत इंक्रीज हो गया है, फिजिकल एक्टिविटी जो है बहुत कम हो गई है, तो डेफिनेटली इट हैज़ इंक्रीज द हेडेक। बड़े बच्चों में हम देखें तो उन्हें ये भी टेंशन है कि हमारे एग्ज़ाम्स कब होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, डेट शीट तो चेंज नहीं हो जाएगा, और साथ ही साथ बड़े बच्चों की अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा है, सो दे आर वॉचिंग द न्यूज़, वो हर टाइम देख रहे हैं कि देश में या हमारे घर के आसपास या हमारी कम्युनिटी में क्या चल रहा है। तो इस सब की वजह से बच्चों में इवन डिप्रेशन के भी सिम्टम्स आ गए हैं। कुछ पिछले दिनों में जो पेशेंट ज़्यादा आ गए हैं वो अचानक से, करीब मैं कहूँगी प्री टीन या एडोलेसेंट एज के बच्चे जो अचानक कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, अगेन ये सब एंग्जाइटी और पैनिक के सिम्टम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों में पाए जा रहे हैं। सो थैंक यू डॉक्टर मीनल फॉर दिस वंडरफुल इनसाइट ऑन दिस टॉपिक और दिस क्वेश्चन। अब इससे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि इट वुड बी बेनिफिशियल। ये तो बात करी हमने उन बच्चों की जिनको कोई भी साइकोलॉजिकल या न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं थी, इट इज़ बिकॉज इट हैज़ डेवलप्ड बिकॉज ऑफ दिस कोविड सीजन लास्ट ईयर एंड दिस ईयर। अब क्या, क्योंकि आप डे टू डे प्रैक्टिस में भी आपके पास वो पेशेंट्स भी आते हैं जिनको ऑलरेडी कुछ न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन बच्चों में क्या आपने चेंजेस देखा है एंड व्हाट इज़ योर एडवाइस टू पेरेंट्स टू कोप अप दैट सिचुएशन दैट हैज़ रिजन अगेन बिकॉज ऑफ दिस? राइट, सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बिकॉज एट एनी गिवन टाइम हम मान के चलें कि 5-10% बच्चे ऑलरेडी सोसाइटी में होते हैं जिन्हें किसी प्रकार के न्यूरोलॉजिकल, बिहेवियरल, डेवलपमेंटल या साइकोलॉजिकल इशूज़ हैं जो कि प्री एग्जिस्टिंग है। तो ऐसे बच्चों को पेंडेमिक ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है। क्या है कि बच्चों का जो एक रेगुलर सपोर्ट सिस्टम होता है, वेदर इट बी स्कूल, फ्रेंड्स, थेरेपी सेंटर्स जहाँ पे बच्चे रेगुलर थेरेपी के लिए जा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर विजिट, ये सारा सपोर्ट सिस्टम इस टाइम पे बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुआ है। तो इन बच्चों के जिनके वो पहले से कुछ न्यूरो डेवलपमेंटल सिम्टम्स थे, वो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा वर्सन हो गए हैं। अगर हम ऑटिज़म वाले बच्चों को देखें तो उनका हाइपर एक्टिविटी या उनका जो एक ध्यान ना देने का मेन एक सिम्टम होता है वो बहुत वर्सन हो गया है। बच्चों में एक जो
किसी से बात करने की जो सोशलाइजेशन, आई कॉन्टैक्ट, लैंग्वेज, ये सब बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट हो गए हैं। जिन बच्चों को ADHD है उनके इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स और भी ज़्यादा वर्सन हो गए हैं। बच्चे बिल्कुल भी, पेरेंट्स का जो आजकल मेरे साथ कॉन्टैक्ट हो रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, जो भी हमने कुछ गेंस अचीव किए थे थेरेपी से वो कुछ ना कुछ रिवर्स हो गए हैं। पर फिर भी मैं पेरेंट्स को यही एडवाइस दूंगी कि आप अपने डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिनसे भी आप सलाह ले रहे हैं, टच में बने रहें। इफ़ यू कैन गो फॉर ऑनलाइन थेरेपी, इवन दैट कैन हेल्प इन दिस सिचुएशन। थैंक यू डॉक्टर मीनल। सो डॉक्टर नटवर, अब हमने करी कुछ साइकोलॉजी और न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात, विच हैज़ कम बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ। एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन है विच वी कम अक्रॉस इन आर डेली लाइफ, और आपको भी शायद लोग पूछते होंगे, बट फिर भी मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर ऐसा कोई एक सिनेरियो है कि जहाँ पे एक यंग मदर और ए लैक्टेटिंग मदर इज़ कोविड पॉजिटिव, या मदर इज़ नेगेटिव शी इज़ लैक्टेटिंग एंड द चाइल्ड इज़ पॉजिटिव, सो उस केस में क्या करना चाहिए, हाउ टू डील विद दैट सिनेरियो? क्योंकि ये एक हम लोगों को हमारे हॉस्पिटल में इस तरह के काफ़ी सारे केसेस आए हैं, हम लोगों ने ट्रीट किया है। सो मुझे एक आपकी एडवाइस चाहिए इस पर, सो दैट आर पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम योर थॉट्स एंड योर एडवाइस। यस सचिन जी, देखो मदर्स की ये बहुत कॉमन क्वेरीज है। हमारे पास रोज़ दिन में 3 या 4 फ़ोन ऐसे आते हैं जिसमें मदर ये पूछती है कि मैं अपने बच्चे को फीड कराती हूँ और मैं कोविड पॉजिटिव अभी रिसेंटली हुई हूँ, तो क्या मैं अपने बच्चे को अपने से दूर करूँ या उसको फीड कराती रहूँ? बच्चे को फीड हमें डेफिनेटली कराना है, क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि जब मदर का कोविड पॉजिटिव आया है और एक छोटा बच्चा, नवजात बच्चा हमेशा मदर के पास ही रहता है। ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा जो बच्चे 1 साल से छोटे हैं, जो कि अक्सर मदर ही उनको संभालती है, हम ये एज्यूम करते हैं कि वो बच्चा भी कुछ इन्फेक्ट हुआ होगा, लेकिन ये सब हम एज्यूम कर रहे हैं। मदर को जब भी वो और अपने बच्चे को हैंडल करे, उसको फीड ज़रूर कराना है, फीड नहीं रोकना है, बट मदर को प्रॉपरली मास्क यूज़ करना है, मदर को प्रॉपरली जितने भी वॉशिंग स्टेप्स हैं, अपने हाथ सैनिटाइज करना, बच्चे के साथ जो भी अपन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो अपन अपनाते हैं वो सारे बच्चे के साथ भी करने हैं, बट फीडिंग डेफिनेटली नहीं रोकनी है। चाहे से कई बार ऐसी कंडीशन भी होती है कि बच्चा पॉजिटिव आ गया, छोटा बच्चा, नवजात बच्चा, और मदर पॉजिटिव नहीं है, तो भी मदर को ही उस बच्चे का ख्याल रखना है, क्योंकि उस छोटे बच्चे को हम और लोगों से एक्सपोज नहीं कर सकते, सिर्फ एक मदर को अलाउ कर सकते हैं, और मदर ही उस बच्चे की अच्छे से केयर कर पाएगी, तो बच्चों में दूसरा इतने ज़्यादा सिम्टम्स और इतनी सिवियरिटी नहीं है। इसलिए अगर सपोज करो दोनों में बहुत ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स हैं तो हम इन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, बट बच्चे में इतने सिवियर सिम्टम्स नहीं है। रादर सिम्टम्स केयर इज मस्ट फॉर दैट चाइल्ड ऑन दैट एज। तो मैं यही कहना चाहूँगा सारे पेरेंट्स को कि अगर नवजात बच्चा है आप उसको डेफिनेटली फीड कराइए, लेकिन जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है मदर को प्रॉपरली मास्क लगा के ही बच्चे के पास रहना है। थैंक यू डॉक्टर फॉर दिस क्लैरिटी। सो माई लास्ट क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू एंड एवरीबडी वुड लाइक टू बेनिफिट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस ऑन एज आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि इस पीरियड में बच्चे घर पर हैं, काफ़ी टाइम से घर पर हैं, सो जैसा आपने बोला मैडम कि हाइपर एक्टिविटी बढ़ गई है बच्चों की, दे आर मोर ग्लूड टुवर्ड्स देयर स्क्रीन, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, नेल बाइटिंग उनको प्रॉब्लम बढ़ गई है, दे आर गोइंग टुवर्ड्स डिप्रेशन, सो चिड़चिड़ापन भी आया है उसमें, और उनका खान पान कैसे हम लोग एडजस्ट करें सो दैट पेरेंट्स आर रिलीव्ड, क्योंकि सारा दिन बच्चे अगर घर पर रहेंगे तो दे वॉन्ट एवरीथिंग एवरी टाइम एवरी आवर। सो वॉट इज़ योर एडवाइस फ्रॉम योर एक्सपीरियंस टू द पेरेंट्स, वॉट इज़ टू बी गिवन टू देम एज अ डाइट सो दैट दे डू नॉट यू नो ओवर ईट, दे डू नॉट अंडरगो दैट काइंड ऑफ एसिडिटी और सम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, एंड वॉट इज़ योर एडवाइस इन टर्म्स ऑफ सो दैट दे मेंटेन देयर बिहेवियरल स्किल्स एंड दे आर एडिक्वेटली यू नो फीलिंग एट होम एंड हैप्पी। सो वो बच्चे हैप्पी कैसे रहें इन टर्म्स ऑफ देयर न्यूरोलॉजिकल साइड पॉइंट ऑफ व्यू एंड हैप्पी कैसे रहें फ्रॉम देयर डाइट पॉइंट ऑफ व्यू विद पेरेंट्स ऑल्सो। सो प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन विच इज़ आई थिंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज टाइम्स। राइट, तो सचिन जी मेरे हिसाब से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि जो बड़े बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को, दे हैव गूगल, दे हैव टीवी, दे हैव एवरीथिंग, उनसे हम एक क्लियर डायलॉग मेंटेन करें, उनके कंसर्न्स को भी सुने, और जो पैंडेमिक के कोविड के बारे में या आसपास बीमारी के बारे में उनकी एंग्जाइटी है उसे भी हम कम करें। इसके अलावा एक क्लियर एक रूटीन बना के रखें जिससे कि बच्चा आगे भी उसे पता चले कि ये रूटीन ऐसे ही फॉलो होगा। रूटीन फॉलो करने से जो न्यूरोटिपिकल और न्यूरो एटिपिकल इन दोनों ही बच्चों को फ़ायदा होता है, बिकॉज देयर एंग्जाइटी गोज डाउन एंड दे नो व्हाट इज़ टू बी डन एट एनी गिवन टाइम,
जिससे कि स्टडी, रिक्रिएशन सबके लिए हम एक टाइम क्रिएट कर सकते हैं। योगा, मेडिटेशन, एनी फिजिकल एक्टिविटी, इसके अलावा स्क्रीन टाइम जो है एज फार एज पॉसिबल वो हमें रिड्यूस ही करना है, ऑल दो इट मे बी डिफिकल्ट एट होम। 2 ईयर्स तक के बच्चों को नो स्क्रीन टाइम एक्सेप्ट वीडियो चैटिंग, 2 to 5 ईयर्स ओनली 1 आवर ऑफ स्क्रीन टाइम प्लस वीडियो चैटिंग विद रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। 5 ईयर्स से बच्चों से लेके जो प्री टीन्स हैं, 2 आवर्स ऑफ गुड क्वालिटी प्रोग्रामिंग विद वीडियो चैटिंग, और उससे अबव के बच्चों को जो कि टीन्स हैं उनको एज मच एज दे रिक्वायर बट विद सम पेरेंटल सुपरविजन। तो ऑल दो बहुत सारे बच्चे स्क्रीन टाइम बढ़ गया है बिकॉज दे आर डूइंग ऑनलाइन क्लासेज ऑल्सो, तो इन दैट केस ट्राई टू यूज़ अ बिगर डिवाइस सच एज अ लैपटॉप इंस्टेड ऑफ अ मोबाइल, और जो बाकी रिक्रिएशनल स्क्रीन टाइम है उसे थोड़ा कम करें। बच्चों को हॉबीज़ में, फिजिकल एक्टिविटी, किसी भी एक्सटर्नल एक्टिविटी में हमें एंगेज करना है, और जहाँ तक पॉसिबल हो उनकी बात को सुनना है और उनके सिम्टम्स को अर्ली आइडेंटिफाई करना है ताकि ये प्रॉब्लम बाद में इंक्रीज नहीं हो जाए। इफ़ यू रिक्वायर तो बहुत सारी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, वीडियो कंसल्टेशन या ऑनलाइन करके अपने डॉक्टर से या किसी भी हेल्थ प्रोवाइडर से आप इन टच बने रहें, और अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है तो वो हेल्प बच्चे को अर्ली दिलाएं। एंड नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग डाइट, तो आई थिंक डॉक्टर नेटवर विल बी एबल टू आंसर दैट। तो जैसा डॉक्टर मीनल ने बताया कि हम न्यूरोसाइकेट्रिक थिंग्स को कैसे इम्प्रूव करें और पेरेंट्स कैसे ध्यान रखें, ऐसे ही इस क्रिटिकल टाइम में डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सवाल का आंसर देने से पहले मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि पिछले कोविड की तुलना में इस कोविड में बच्चों में डायरिया, पेन एब्डोमेन, वोमिटिंग ये सिम्टम्स और हैं। लगभग 1/3 बच्चों में डायरिया करके भी प्रेजेंट कर रहे हैं अदर देन फीवर एंड कफ। अब बात आती है डाइट की। डाइट हमारे लिए, 2 बातें मैं आपको बोलना चाहूँगा, वो डाइट इसलिए ज़रूरी है, नंबर एक कि हम बच्चों को बीमार होने से बचाएं, हम बच्चों को अच्छी डाइट और फ्रेश डाइट दें। सेकंड, हम बच्चों को क्वालिटी वाली डाइट दें। क्वालिटी मतलब कि बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब कि बच्चे की डाइट में कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, और इन तीनों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिनरल्स भी होने चाहिए। मिनरल्स आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलेंगे। आप बच्चों की डाइट में गुनगुना पानी ऐड करें, उसको रोज़ सुबह 1 ग्लास 2 ग्लास उसकी एज के हिसाब से गुनगुना पानी पिलाएं, जिससे कि उसका पेट अच्छे से साफ रहे। कॉन्स्टिपेशन की समस्या लॉकडाउन में बहुत कॉमन हुई है, बहुत बड़ी है, क्योंकि बच्चों की एक्टिविटी इतनी नहीं हो पा रही। तो बच्चों की एक्टिविटी को इम्प्रूव करें, बच्चों की डाइट को इम्प्रूव करें। इन सब के अलावा सारे पेरेंट्स से मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि बच्चे घर पर ही हैं, घर की चीज़ों से ही खेल रहे हैं छोटी छोटी। ख़ास तौर से जो बच्चे 1 साल से 2 साल तक के बच्चे हैं, वो जब छोटे छोटे खिलौनों के साथ खेलते हैं जिनमें डिस्क बैटरी होती है, कई बार वो बच्चे उन चीज़ों को निगल जाते हैं। तो उन 1 से 2 साल के बच्चों पे आपको स्पेशल नज़र रखनी है कि बच्चा किन चीज़ों से खेल रहा है और कैसे कर रहा है। ये समय बहुत मुश्किल है, एक बार आपका बच्चा निगल जाए और उसको एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़े और आपको अननेसेसरी हॉस्पिटल जाना पड़े, तो इन चीज़ों पर पेरेंट्स ख़ास तौर से ध्यान रखें। और लास्ट फाइनल ख़त्म करने से पहले मैं 2 या 3 चीज़ें पेरेंट्स को समझाना चाहूँगा कि बच्चों में पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चों को कोविड हो जाए तो ज़्यादा चिंता नहीं करें, इतने सीवियर सिम्टम्स बच्चों में नहीं है जितना कि एडल्ट्स में है। सेकंड चीज़, हमेशा ध्यान रखें अगर सिम्टम्स 3 या 4 दिन से ज़्यादा आगे जा रहे हैं तो आपको सजग रहना है, आपको ध्यान देना है। वो बच्चा ही कॉम्प्लिकेशन में जाने की संभावना रहती है जिसके सिम्टम्स 3 से 4 दिन से एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर सिम्टम्स 3 से 4 दिन से एक्सटेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उस बच्चे का ऑक्सीजन का सेचुरेशन मॉनिटर करना है, उसके ब्लड टेस्ट भी करवाने पड़ सकते हैं। एक सबसे लास्ट बात मैं सारे पेरेंट्स से, चाहे वो एडल्ट हो चाहे वो पीडियाट्रिक हो, आप खुद से डॉक्टर नहीं बने इस समय में, आप पूरी की पूरी सलाह डॉक्टर से लें। डॉक्टर आपको सही तरीके से गाइड करेगा कि कब आपको सीटी स्कैन कराना है, कब आपको ब्लड टेस्ट कराना है। सारे पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगा, अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें, अपने डॉक्टर को बताएं सिम्टम्स के बारे में, छिपाएं नहीं, जितना है उतना ही बताएं, ना ज़्यादा ना कम, ताकि आपके बच्चे को सही तरीके से हैंडल किया जा सके। और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, खुद से खुद की सलाह लेके और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें। थैंक यू डॉक्टर्स, थैंक यू डॉक्टर नटवर, थैंक यू डॉक्टर मीनल फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड योर वैल्यूएबल इनसाइट एंड इनपुट्स। सो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस सूर्या टॉक शो।
आई होप दैट द एक्सपीरियंस ऑफ माई डॉक्टर्स हैव ब्रॉट इन सम नॉलेज एंड वुड हेल्प यू इन टैकलिंग द डिजीज एंड सिम्टम्स इन द लॉन्ग रन एज वेल. सो वी एंड दिस फर्स्ट सेशन ऑफ सूर्या टॉक शो टुडे. विल कम अगेन विद अ न्यू हॉट टॉपिक विच वुड बी बेनिफिशियल टू यू इन सम टाइम. सो कीप वॉचिंग एंड कीप फॉलोइंग अस. For any other queries on this topic or any other topic, please write, please comment or leave a note so that we may be able to answer that question in our next session. Thank you.